पर्यावरण पर मंडराते अनेक तरह के संकट से जूझ रहा है। छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं है। शहर की स्थिति और भी खराब है, खासतौर पर शहर में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण जैसी समस्या विकराल होती जा रही है। इन समस्याओं से निजात दिलाने भूपेश सरकार ने एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। इसके तहत सरकार ने कई तरह के निर्णय भी लिए हैं। बारिश में कम बारिश, भादों में सावन की झड़ी, सर्दी के मौसम में ठंड, गर्मी में भीषण गर्मी से आज शहर की आबोहवा पर्यावरण के अनुकूल नहीं रही है। इन तमाम स्थितियों के पीछे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और भूमि प्रदूषण कारण है। भूपेश सरकार इन स्थितियों को बखूबी समझ चुकी है, इसलिए राज्य सरकार ने तय किया है कि सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में पर्यावरण पर प्राथमिकता के साथ जोर दिया जाएगा। इसी कड़ी में शहरों में व्यापक पैमाने में वृक्षारोपण, तालाब की साफ सफाई, बारिश में जल संरक्षण जैसे अनेक उपाय किए जा रहे हैं। सरकार ने जो निर्णय जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए किए हैं, उनमें तालाबों की साफ सफाई, नाली नालों की साफ सफाई, नदियों में गंदे पानी को जाने से रोकना, तालाबों के पास अतिक्रमण को हटाना, कचरा का उचित निपटारा, प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध, नदी नाला तालाब में फैक्ट्रियों के पानी को पहुंचने से रोकना, केमिकल युक्त बहाव को खत्म करना, बारिश के पानी को तालाबों तक पहुंचाना, भूमिगत जल स्रोतों को बढ़ाना, जन सहयोग से लगातार सफाई अभियान चलाना, फैक्ट्रियों की सतत निगरानी और निरीक्षण, कारखानों से निकलने वाले काले धुएं को रोकना, शहर में ट्रैफिक के दबाव को कम करना, अधिक से अधिक पौधारोपण को बढ़ावा, अधिक से अधिक उद्यान बनाना, शहर में ऑक्सीजन विकसित करना, जमीन में केमिकल की मात्रा को खत्म करना, पॉलीथीन को जमीन के अंदर जाने से रोकना, केमिकल युक्त पदार्थों की उपयोगिता पर बैन, अधिक से अधिक जैविक पदार्थों की उपयोगिता को बढ़ाना। रायपुर महापौर प्रमोद दुबे का कहना है कि बीते दिनों में राजधानी रायपुर में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए हम कामयाब रहे हैं। इसके पीछे महीने में एक दिन नो व्हीकल डे, राजधानी में बीते 3 सालों में 5 लाख पौधारोपण, शहर में 3 बड़े ऑक्सीजोन का निर्माण आदि पर काम कर रहे हैं। देखिए, पर्यावरण के लिए हमने बड़े अभियान शुरू किए और लगभग 5 लाख से ज्यादा पेड़ हमने इन 3 वर्षों में लगाए। इस बार सरकार इस मामले में काफी संवेदनशील है और छोटे छोटे ऑक्सीजन बना रही है, और छोटे छोटे ऑक्सीजन बनाने से ये फायदा हो रहा है कि हर स्थान पर डिसेंट्रलाइज होकर पेड़ लग रहे हैं। जल प्रदूषण के लिए जो जल जनित बीमारियां थी, वो जल जनित बीमारियों को दूर करने के लिए अलग अलग स्तर पर अलग अलग काम शुरू किए गए। लगभग अमृत योजना में 400 करोड़ की पाइपलाइन स्वीकृत हमने की। जो पुराने हमारे पाइपलाइन थे, वो सारे पाइपलाइनों को दुरुस्त कर रहे हैं। वास्तव में सरकार की जो मंशा है, अगर उसमें जन सहयोग पूर्ण रूप से मिलेगा तो सभी शहरों में पर्यावरण अनुकूल हो जाएगा। सहयोगी सत्यपाल सिंह राजपूत के साथ वैभव शिव पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम